आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम शतक का, ये रुख करते हैं 100 बड़ी खबरों की ओर। मेघालय में ममता की पार्टी टीएमसी और एनपीपी को झटका, तीन विधायकों ने दिया इस्तीफा, बीजेपी में शामिल होने की अटकलें। उद्धव ठाकरे को लगा एक और झटका, पूर्व विधायक कृष्णा हेकड़े ने थामा एकनाथ शिंदे का हाथ। राजस्थान में गहलोत पायलट में घमासान के बीच जयपुर जाएंगे केसी, वेणुगोपाल भारत जोड़ो यात्रा को लेकर करेंगे बैठक। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में धर्म परिवर्तन नहीं शामिल, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से बताया गंभीर मामला। कट्टरता और बदले की भावना से ग्रसित भाजपा, कॉलेजियम विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद महुआ का तंज। कर्नाटक में कुख्यात अपराधी सुनील के साथ दिखे बीजेपी नेता, कांग्रेस ने बनाया मुद्दा, मंत्री ने मानी अपनी गलती। टीएमसी विधायक ने की मोदी शाह की कौरवों से तुलना, माफी मांगने से भी इनकार किया। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, बोले फल्गु नदी को माता सीता ने दिया था थाप, सीएम नीतीश कुमार ने किया थाप मुक्त। पंजाब में बीएसएफ ने ढेर किया पाकिस्तानी ड्रोन, हीरोइन की खेप भी बरामद, अमृतसर बॉर्डर पर दो महिला जवानों के किए 25 राउंड फायर। हैकर्स ने दिल्ली एम्स में 200 करोड़ की फिरौती मांगी, कहा पेमेंट क्रिप्टो करेंसी से करें। राहुल गांधी दाढ़ी साफ करें तो नेहरू जैसे दिखेंगे, असम के सीएम ने सद्दाम वाले बयान पर दी सफाई, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। पीएम मोदी का आरोप, कांग्रेस सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में सशस्त्र बलों के हाथ बांध रखे थे। बिहार में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले जिनके पूर्वज हिंदू थे वो भी हिंदू हैं। आफताब को ले जा रही वैन पर हमला, हत्याकांड में इस्तेमाल किया गया हथियार मिला। लॉरेंस बिश्नोई के ठिकानों पर एनआईए की रेड, दिल्ली हरियाणा और राजस्थान में गैंगस्टर के करीबियों पर छापेमारी। मथुरा में बांके बिहारी का मना, प्रकट उत्सव निधि वन में हुई आतिशबाजी, भजन संध्या से लाडले को रिझाया। सीतापुर में कुंड में नहाने के दौरान डूबा युवक, बाउंड्री वॉल पर चढ़कर कुंड में लगाई छलांग, गोताखोर ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाला बाहर। संगम नगरी पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, शंकराचार्य आश्रम में आराधना महोत्सव का करेंगे शुभारंभ। लकड़ी बीनने गई महिला का झाड़ियों में मिला शव, पिता बोले प्रॉपर्टी को लेकर ससुराली जनों ने बेटी को मार दिया।
कानपुर देहात में शादी से 20 लाख की ज्वेलरी चोरी। ग्राम प्रधान की बेटी की थी शादी, खिड़की के रास्ते कमरे में घुसे चोर। प्रयागराज डीएम की इनोवा में वैन ने मारी टक्कर, ड्राइवर घायल। लखनऊ से छुट्टी मनाकर परिजनों के साथ लौट रहे थे आवास। कथावाचक आसाराम का पीए प्रवीण कावले अरेस्ट। मुजफ्फरनगर में अखिल गुप्ता हत्याकांड में 7 साल से था वांछित। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी का भगौड़ा बेटा फिरोज गिरफ्तार, पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया था। दो साल से फरार, आजीवन कारावास का आरोपी गिरफ्तार। जेल से पैरोल पर छूटने के बाद फरार था, पुलिस की नाक के नीचे छिपकर बैठा था। कन्नौज में बाइक सवारों को कार ने रौंदा, हादसे में एक की मौत, दो घायल। गुस्साए परिजनों ने शव रखकर लगाया जाम। घुमंतू गिरोह पर नजर रखने के लिए पुलिस अलर्ट, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक विशेष निगरानी के निर्देश। काशी के 108 मदरसों में भी स्कॉलरशिप बंद, मदरसा परिषद के चेयरमैन बोले मिड डे मील। इटावा में खड़े ट्रक में घुसा ट्राला, हादसे में चालक और परिचालक की मौत, ट्रक लेकर चालक हो गया फरार। उन्नाव में टैंकर से डीजल चोरी पकड़ी, 9 ड्रमों में भर चुके थे 1890 लीटर तेल, पुलिस ने आपूर्ति विभाग को सूचना देकर बुलाया। टिलीटीला में सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसा ट्राला, केबिन में फंसकर ससुर दामाद की मौत। फतेहपुर में पुलिस व बदमाश में मुठभेड़, गोली लगने से 25,000 का इनामी बदमाश घायल। कानपुर में दरोगा की लूटी थी पिस्टल। अमेठी में ग्रामीणों की समस्याएं सुनने नहीं पहुंचे अधिकारी, सड़क के किनारे लगाया है वोट बहिष्कार का बोर्ड, वार्ड 2 का है मामला। संबल में शादी समारोह से नकदी और जेवर चोरी, शहर के व्यवसायी की बेटी की शादी थी, पीड़ित बोले घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। बिजनौर में सड़क किनारे खड़े युवक की गाड़ी ने रौंदा, शादी समारोह से लौटकर बस का कर रहा थे इंतजार, टक्कर मारकर चालक फरार। गाजियाबाद के पहले पुलिस कमिश्नर बने अजय मिश्रा, एसएसपी मुनिराज जी का अयोध्या ट्रांसफर, 24 घंटे में डीसीपी एसीपी की हो सकती है तैनाती। सुल्तानपुर में अज्ञात वाहन ने बाइक में मारी टक्कर, इलाज के दौरान युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल, घर लौट रहे थे दोनों। उन्नाव में अलग अलग हादसों में 2 की मौत, बाइक सवार युवक को डंपर ने मारी टक्कर, ग्रामीण को ट्रक ने रौंदा, आज होगा पोस्टमार्टम। हाथरस में हर्ष फायरिंग में युवक को लगी गोली, घायल। गांव के युवक का चल रहा था तिलक समारोह, जांच में जुटी पुलिस। गाजीपुर में डेंगू मरीजों के आंकड़े में लगातार इजाफा, अब तक 153 डेंगू पॉजिटिव मिले, सीएमओ बोले बुखार आने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं।
आगरा में सीएम योगी की सभा में छात्र छात्राओं का हंगामा। सीएम की सभा में बैनर लेकर हाई स्कूल के छात्र छात्राओं ने योगी से मांगे अंक। अंबेडकर नगर में विद्युत विभाग चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट। बिजली विभाग के कर्मी का घूस लेते वीडियो हुआ वायरल। शहर में चावल से भरा ट्रक आपूर्ति निरीक्षक ने पकड़ा। गोदाम का निरीक्षण कर सील किया। गोंडा में जहर खुरानों ने मासूम समेत तीन लोगों को बनाया शिकार। रेलवे स्टेशन पर चाय में नशीला पदार्थ खिलाकर बनाया जहर खुरानी का शिकार। लखीमपुर खीरी में अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने अवैध शराब बरामद कर 27 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड में आगामी 10 दिसंबर को होगी पासिंग आउट परेड। पास आउट होंगे 344 जेंटलमैन कैडेट। उत्तराखंड के लोहाघाट के कांग्रेस विधायक को सुप्रीम कोर्ट से राहत। हाई कोर्ट में सुनवाई पर लगाई रोक। पूर्व विधायक को नोटिस। उत्तराखंड के सीएम धामी ने धनोल्टी विधानसभा में किया 126 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण। मलेशिया में दम दिखाएंगे गढ़वाली वीर। भारत मलेशियाई सेना के बीच संयुक्त हारिमो शक्ति युद्धाभ्यास शुरू। उत्तराखंड में बनी हुई है गुलदार की दहशत। 7 दिन के अंदर 3 बच्चों को बनाया शिकार। उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ पड़ा धीमा। मैदान में धुंध और कोहरे से 2 डिग्री तक गिर सकता है पारा। उत्तराखंड में कार के सड़क पर पलटने से दूल्हे के भांजे की मौत। दिल्ली से आया था शादी में शामिल होने के लिए। उत्तराखंड के देहरादून में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल के घर लूट। लुटेरे जाते हुए नई कार भी लेकर गए। उत्तराखंड में ऋण दिलाने के नाम पर कांग्रेस नेता से ठगे। 70 लाख 7 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट के आदेश में मुकदमा। उत्तराखंड में प्रतिबंधित सैटेलाइट फोन के साथ रूस के पूर्व मंत्री गिरफ्तार। गलती स्वीकार करने से किया रिहा। उत्तराखंड के किच्छा में देवर ने चाकू की नोक पर किया भाभी से दुष्कर्म। शिकायत पर पति ने दिया 3 तलाक। उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल ने कहा कंपनियों को देना होगा प्लास्टिक निस्तार का प्लान। आठ दिसंबर को 2 दिवसीय दौरे पर पहली बार उत्तराखंड आएंगी राष्ट्रपति मुर्मू। आशियाना में रुकेंगी। उत्तराखंड में बाइक ठेला रिक्शा को कुचलता चला गया बेकाबू ट्रक। एक की मौत। पुलिस ने नीचे दबे लोगों को निकाला। उत्तराखंड के देहरादून में चंबा धारासू हाईवे पर हादसा। बारातियों की कार पलटने से बच्चे की मौत। मां सहित 5 घायल। -6 डिग्री में मोर्चे पर यूक्रेन के सैनिक। पानी भरे बंकरों में पैरों की उंगलियां। शून्य कंपनी सीईओ नौकरी छोड़ जंग में उतरे।
अलास्काई नौसेना ने समुद्री सीमा में 24 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया, 5 नाव भी जब्त किए। चीन में तेजी से पांव पसार रहा कोरोना वायरस, बनाया गया विशाल क्वारंटीन सेंटर। संघाई में ब्रिटिश पत्रकार की पिटाई के बाद पीएम ऋषि सुनक ने कहा, खत्म हुआ यूके चीन का सुनहरा संबंध। शहबाज सरकार के खिलाफ तहरीरे तालिबान ने खोला मोर्चा, लड़ाकों को आदेश पूरे पाकिस्तान में करें हमला। रिटायर होंगे जनरल बाजवा, नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर को सौंपेंगे बैटन ऑफ कमांड। यूक्रेन जंग, ब्रिटेन को पड़ी महंगी, खाने के दाम बढ़े तो भूखे सो रहे लोग, एक तिहाई सिंगल पेरेंट्स खाना छोड़ने को मजबूर। नेपाल में पीएम शेर बहादुर देउबा की पार्टी को बढ़त, सरकार बनाने के लिए गठबंधन नेताओं की हुई बैठक। चीन में चल रहे विरोध प्रदर्शन को अमेरिका का समर्थन, कहा सबको शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाने का अधिकार। हिंद महासागर मंच की बैठक में मालदीव के भाग नहीं लेने पर भड़का चीन, बयान जारी कर जताया अफसोस। जियो पर कॉलिंग में दिक्कत का यूजर्स ने डाउन डिटेक्टर पर परेशानी रिपोर्ट की, मेट्रो शहरों में ज्यादा दिक्कत। मस्क और एप्पल में टेंशन बढ़ी, मस्क बोले ट्विटर ऐप को आईओएस स्टोर से हटाने की धमकी, पूछा कि यहां क्या चल रहा है। एनडीटीवी के मालिक बनने के करीब अडानी, एनडीटीवी के 29.18% शेयर अडानी ग्रुप को ट्रांसफर हुए। अमेजन का तीसरा बड़ा फैसला, एडटेक और फूड के बाद अब इंडिया में अपनी होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस भी बंद करेगी कंपनी। ट्विटर बढ़ाएगा कैरेक्टर लिमिट, जल्द कर सकेंगे 420 शब्दों में ट्वीट, एक यूजर को जवाब में मस्क ने लिखा हिंट। यूके की 100 कंपनियों में 4-day वर्किंग बिना सैलरी घटाए, इसे लागू किया। 4-day वर्किंग के सपोर्ट्स में बोले फार्मा में सुधार होगा। करोड़पतियों के देश छोड़ने का सिलसिला जारी, चीन और रूस के बाद है भारत का नंबर। ओडिशा में 3 कारोबारियों के घरों पर आयकर विभाग के छापे, व्यापारियों ने आज 12 घंटे बंद का आह्वान किया। आयकर में कटौती व रोजगार सृजन, वित्त मंत्री के साथ बजट पूर्व बैठक में उठी कई मांगे। ईटानगर में डोनी पोलो हवाई अड्डे से पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई गई, ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे मौजूद। इटालियन क्लब के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने दिया इस्तीफा, इस क्लब में प्रेसिडेंट भी रहे शामिल। आईओए की 16वीं अध्यक्ष बनी पीटी ऊषा, उससे पहले भी सभी प्रेसिडेंट पुरुष ही थे। एशियन टूर्नामेंट में भारत को दिलाए हैं 18 गोल्ड।
कैमरून सर्बिया मैच ड्रॉ, रोमांचक मुकाबले में कैमरून ने दूसरे हाफ में की वापसी। साल में पहली बार कनाडा ने जीता डेविस कप, 28 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराया भारत, 3 बार उपविजेता रहा। एन जगदीशन ने रचा इतिहास, विजय हमारे ट्रॉफी के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। ऋतुराज ने एक ओवर में 7 छक्के जड़े, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। रोमांचक मुकाबले में जीता घाना, 3 मिनट में 2 गोल मारकर भी हारा कोरिया। कतर में कैमल फ्लू का खतरा, फीफा वर्ल्ड कप देखने पहुंचे 12 लाख फैंस को बीमार कर सकता है कोरोना जैसा वायरस। पांच बार का चैंपियन ब्राजील अगले राउंड में क्वालिफाई, ग्रुप के दूसरे मुकाबले में स्विट्जरलैंड को हराया। फ्रांस ब्राजील के बाद पुर्तगाल भी प्री क्वार्टर फाइनल में, फुटबॉल वर्ल्ड कप फर्नांडीज से किए डबल गोल। फिल्म सिटी में स्पॉट हुई श्रद्धा कपूर, शूट के दौरान व्हाइट टॉप ब्लू जींस में दिखी स्टाइलिश। कैटरीना कैफ जल्द लॉन्च करेंगी नया ब्रांड, हेल्थ और वेलनेस सेक्टर में करेंगी बड़ा ऐलान, करीबी बोले वो इसे लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। प्रेगनेंसी के बाद पहली बार स्पॉट हुई आलिया, बहन शाहिन का बर्थडे मनाने पहुंची मायके। इजरायली फिल्म मेकर को विवेक अग्निहोत्री ने दिया करारा जवाब, बोले सच सबसे खतरनाक चीज है। प्रभास को डेट कर रही है कृति सेनन, इशारों इशारों में वरुण धवन ने किया कंफर्म, ट्रोलर्स ने कहा आदि पुरुष का पीआर चल रहा है। अनन्या पांडे को आर्यन खान ने फिर से किया इग्नोर, सबके सामने फेरा मुंह, उदास होकर गाड़ी में जाकर बैठ गई अनन्या। इजरायली फिल्म मेकर ने कश्मीर फाइल को अश्लील बताया, इजरायल के राजदूत ने फटकारा, बयान पर शर्माती है। ट्रेडिशनल लुक में दिखी कैटरीना कैफ, करिश्मा कपूर मानुषी छिल्लर समेत मुंबई एयरपोर्ट पर दिखे सेलेब्स। ट्रोलर्स के निशाने पर आए महेश बाबू, पिता का अंतिम संस्कार करने के बावजूद नहीं मुड़वाया सिर। दृश्यम 2 ने वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ का कलेक्शन किया, सिर्फ 10 दिनों में पार की डबल सेंचुरी। प्राइम शतक में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।